हेलो फूडीज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज फूड पे। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बल्कि ये बताऊँगी कि किस तरीके से हर वीक मैं 1 लीटर शुद्ध देसी घी बना के तैयार करती हूँ घर पे ही, और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी केमिकल या कोई भी दूसरी चीज़ की जो है मिलावट नहीं होती, एकदम से शुद्ध होता है, एकदम से प्योर होता है। मार्केट में फ्रेंड्स आप किसी भी ब्रांड का घी ले लें, कितना भी महंगा वाला घी ले लें, इतना शुद्ध बिल्कुल भी कहीं भी आपको नहीं मिलता है। और ये आप घर पे ही बना सकते हैं, एकदम फ्री में बना सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। देखिए, 1 लीटर के करीब पूरा शुद्ध देसी घी हम बनाते हैं, और जो है बर्तन जिसमें हम अपना घी उबालते हैं उसमें से फ्रेंड्स हम इस तरीके से पानी से भी घी निकाल सकते हैं, और देखिए पानी में से भी कितना सारा हमारा घी निकल के तैयार हो जाता है। तो कोई भी वेस्टेज नहीं होती, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, 1 से 2 आपको टिप्स फॉलो करनी होते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस पानी को हम वेस्ट समझ के ऐसे ही फेंक देते हैं उसमें से भी देखिए 30 से 40 ग्राम घी निकल आया है। इसे हम सब्जी में तड़के लगाने के लिए, दाल में तड़का लगाने के लिए, पराठे बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 वीक के करीब मलाई ले ली है। हर रोज़ जब मैं रात को दूध को उबालती हूँ तो पीने के बाद जो हमारा दूध बच जाता है उसे ऐसे ही मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह जो मलाई आ जाती है उसे मैं किसी साफ़ बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मलाई निकाल के ये मेरा 1 वीक का जो है मलाई इकट्ठी हुई है। जितनी मेरी मलाई है उतना ही मैंने इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल दिया। मलाई मेरी एकदम बहुत ही ठंडी थी। तो फ्रेंड्स, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मलाई में से घी निकालने में, मक्खन निकालने में 2 तरीके की परेशानी आती है नॉर्मली। एक तो हमारी मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, देखिए एकदम से ठंडी हुई मलाई है तो इसमें से घी नहीं निकलेगा, इस तरीके से वाइट सा झाग इसमें आता जाएगा, आप कितनी भी देरी से ग्राइंड कर लें घी नहीं निकल पाएगा। इसका आप कारण ये समझे कि ये मलाई जो है हमारी बहुत ज़्यादा एक्सेस में ठंडी है। तो क्या करना है, इसके लिए हम थोड़ा गर्म पानी इसमें डालेंगे। मैं उबलता हुआ पानी लूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी, तो इससे जो इसका डाउन हुआ टेम्परेचर है वो थोड़ा सा रेज होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, और उससे हमारा जो मक्खन है बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और मलाई में से मक्खन निकालने में जो हमें दूसरी परेशानी आती है वो ये होता है कि कई बार हम अपनी मलाई को फ्रिज में से काफ़ी देर पहले निकाल के बाहर रख देते हैं, जिससे वो गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाती है ये स्पेशली गर्मियों में होता है। तो गर्म हो जाती है तो उसे जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो जो हमारा मक्खन निकलता है बड़ा पिघला हुआ सा निकलता है, और उसे इस लस्सी में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो इस बर्तन में ही रह जाता है, हाथ में से फिसल जाता है, इसमें ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए या तो इसे ग्राइंड करने से पहले आप इसमें आइस क्यूब्स डाल दें, या बहुत ही ठंडा सा इसमें पानी डाल दें, या ग्राइंड करने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ध्यान रखें, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, और आप इसमें से मक्खन निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना मक्खन निकाल लिया है इन्हीं तरीकों से। तो अब बिल्कुल ठंडे पानी में, साफ पानी में हम इसे 2 से 3 बार धो लेंगे, बिल्कुल से साफ कर लेंगे अपने मक्खन को। आप चाहें तो इस टाइम पे इस पानी को छलनी से छान सकते हैं, और छलनी पे जो मक्खन आएगा उसे वापस इसी में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा 2 किलो के करीब जो है मक्खन निकल आया है 1 वीक की मलाई से। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो है घी बना के तैयार करूँगी। वो मेरा 1 वीक आराम से चल जाता है 1 लीटर घी। तो मैं इसे बहुत बड़े से बर्तन में डाल दूँगी, इसी बर्तन में मैं अपना दूध गर्म करती हूँ हर रोज़। तो फ्रेंड्स, अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मैं उबाल आने तक पका लूँगी, और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और इस प्रोसेस में फ्रेंड्स टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। देखिए घी थोड़ा सा दिखने लगा है, लेकिन अभी ये जो है हमारी जो मलाई का जो पानी सा है उसे अलग नहीं हुआ पूरी तरीके से। तो इसे एकदम से अलग करने के लिए मलाई के पानी से हम क्या करेंगे, इसे उबालेंगे मीडियम फ्लेम कर दें आप, या एकदम से स्लो करके इसे छोड़ दें, लगातार बीच बीच में आप इसे चला दें ताकि नीचे से ज़्यादा जले ना। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद, लगभग 15-20 मिनट के बाद इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। इसे आप लगातार ऐसे ही उबलते रहने दें। तो फ्रेंड्स देखिए, 30-35 मिनट के बाद इस तरीके से हो जाता है, और ये जो वाइट है इसके ऊपर आया हुआ है, कुछ देर आप इसे और उबलने दें मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे, तो ये भी हट जाएगा। तो देखिए वो वाइट सा भी हट चुका है, अभी एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। इस स्टेप पे आपको, इस टाइम पे एकदम से गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और आप इसे उतार के रख दें। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी इसकी कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है घी की,
तो इसकी कुकिंग प्रोसेस अगर लगातार चलती रहेगी तो इसमें जले हुए की स्मेल हो जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा रेड सा हो जाएगा जो गंदा लगेगा। तो इसकी कुकिंग प्रोसेस को बंद करने के लिए आप इसे किसी बहुत बड़े से बर्तन में ठंडा पानी भर के रख दें और उसमें इस वाले बर्तन को जिसमें घी है उसे रख दें, तो इसकी कुकिंग प्रोसेस तुरंत बंद हो जाएगी और ये ज़्यादा जलेगा नहीं, ज़्यादा पकेगा नहीं। तो मैंने इसे बड़े से बर्तन में पानी में भर के रख दिया था, इससे इसकी कुकिंग प्रोसेस अब बंद हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना एकदम से क्रिस्टल क्लियर, एकदम से शुद्ध देसी घी बनके हमारा तैयार हुआ है। मार्केट में तो ऐसा घी अवेलेबल होता ही नहीं है, कोई ना कोई मिलावट ज़रूर होती है, कितना भी महंगा वाला आप ले लें। तो फ्रेंड्स इसे मैं एक बर्तन में छान लूँगी छलने की हेल्प से, और फ्रेंड्स ये हमारा ठंडा हो चुका है तो इसलिए मैं शीशे के बर्तन में छान रही हूँ। अगर आपका गर्म है तो आप शीशे के बर्तन में ना छानें एकदम गर्मा गर्म को, वरना आपका शीशे का बर्तन टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना शुद्ध देसी घी कहीं भी नहीं मिलता है पूरी मार्केट में, लेकिन घर पे आप इसे बहुत ही आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए कितना साफ होता है, इसका कलर भी देखिए मार्केट के घी से एकदम से अलग होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने 1 लीटर का डब्बा लिया है और इसमें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि टोटल ये कितना है। तो देखिए 1 लीटर का डब्बा पूरा भर चुका है, बस थोड़ा सा खाली है, और जितना खाली है इसे भी मैं आगे भर दूंगी, ये भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा बर्तन था बड़ा जिसमें हमने अपने घी को अपने मक्खन को उबाला था उसमें भी अभी कुछ घी और है। तो फ्रेंड्स इस बर्तन में मैंने उबलता हुआ पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से हम हिला लेंगे पानी को। बर्तन की दीवारों पर जितना भी घी लगा हुआ होगा वो इस पानी में ही आ जाएगा, और इस पानी को फ्रेंड्स अब हम छलने से साफ छान लेंगे एकदम से अच्छे से और किसी बर्तन में निकाल देंगे। इसे जो गंदगी ऊपर रह जाएगी और घी वाला साफ पानी इसमें ही रह जाएगा बर्तन में। तो फ्रेंड्स अब ये घी सारा ऊपर आ जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, पूरी रात इसे ऐसे ही हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रिज में रखना है। और देखिए सुबह देखिए कितना सारा घी इस पानी में से हमारा निकल आया है। तो फ्रेंड्स इतना सारा घी हमारा निकल आया है, जितना 1 किलो में 1 लीटर में हमारा घी में कम था इतना ही ये निकल आया है। तो पूरा 1 लीटर घी 1 वीक में आप इस तरीके से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको मैं अच्छे से बिल्कुल ठंडे साफ पानी में धो लूँगी 2 से 3 बार। उसके बाद आप चाहें तो परांठों में या फिर सब्जी में हमें तड़का लगाना है, दाल में तड़का लगाना है, या फिर धो के आप जो है चपाती वगैरह पर भी इसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसे मैं स्पेशली सब्जी में तड़का लगाने के लिए यूज़ करती हूँ या पराठे वगैरह बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम से शुद्ध घी हमारे निकल आया है और ये भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, जिस पानी को हम ऐसे ही ख़राब समझ के छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये घी हमारा 1 लीटर इसमें है और कुछ 1 कटोरी में भी निकल आया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप शुद्ध देसी घी घर पे ही मलाई से तैयार कर सकते हैं, और पानी में से भी जिस पानी को जिस बर्तन को आप वेस्ट समझ के ऐसे ही दो डालते हैं उसमें से भी आप एक छोटा सा बाउल के करीब घी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ हर रोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचाए। ओके फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, बाय।